हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस हम सभी ये जानते हैं कि आज तक रॉकस्टार गेम्स ने टोटल 16 जीटी गेम्स को रिलीज किया, जिनमें से हम सभी ने ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर जीटी गेम्स को तो जरूर ही खेला होगा। लेकिन क्या आपको पता है इनके अलावा भी कुछ और जीटी गेम्स रिलीज किए गए थे जो कि ऑफिशियल तो नहीं थे लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूनिक गेम्स थे एंड ये आज भी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इवन इनमें से कुछ गेम्स के बारे में तो लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि इन्हें रॉकस्टार गेम्स ने ही रिलीज किया है। और इस लिस्ट को फेयर रखने के लिए मैंने कुछ न्यू गेम्स और कुछ एंड्रॉइड गेम्स को भी पिक किया है। तो आज हम जानने वाले हैं सात ऐसे ही फैन मेड जीटी गेम्स के बारे में जो कि फनी होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है और आपको इन्हें एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने इस लिस्ट में से कौन कौन से गेम्स को खेला है। और गाइज मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब काफी कम लोगों ने किया है। तो गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप आगे से आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। नंबर 7 जीटीए मीडिया डायलैंड। अब गाइज मीडिया डायलैंड को तो हम सभी जानते हैं क्योंकि ये अपने टाइम पे इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर था कि इसे जीटीए गेमर ने तो जरूरी खेला होगा। इवन पहले के टाइम पे लोग ऐसा सोचते थे कि जीटीए मीरा डायलैंड ही ओरिजिनल गेम है ना कि जीटीए वाई सिटी। तो इस गेम को बनाया गया था जीटीए वाई सिटी को फुली मॉड करके, जिससे गेम के अंदर वाई सिटी का मैप रिप्लेस होकर एक नया ही आइलैंड आ गया था। अब ये कोई नॉर्मल बोरिंग आइलैंड नहीं था, ये एक मीडियम साइज आइलैंड था जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स और बहुत सारी चीजें थी एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि गेम के अंदर क्लोथिंग स्टोर को डाला गया था, एक न्यू पुलिस स्टेशन को डाला गया था और गेम के सारे व्हीकल्स रिप्लेस होकर बिल्कुल मॉडर्न हो गए थे। इतना ही नहीं, ये मॉड इतना ज्यादा वेल मेड था कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मिशन को भी डाला गया था। अब भले ये जीटीए वाई सिटी के लेवल के ना हो लेकिन इन्हें कंप्लीट करने में काफी ज्यादा मजा आता था। अब मीडिया डायलैंड की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके अंदर 5 एडिशनल चीट कोड्स को भी डाला गया था। इसके अलावा गेम के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स भी थे जिसके अंदर जाकर हम उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और शायद यही रीजन था कि लोगों को मीडिया डायलैंड इतना ज्यादा पसंद आया और इस गेम को आज भी बहुत सारे लोग खेलना पसंद करते हैं। नंबर 6 जीटीए पंजाब। अब गाइस ये इस लिस्ट का सबसे फनी गेम है क्योंकि इस गेम को स्टार्ट करते ही आपको ये पता चलेगा कि आप जीटीए सैन एंड्रियास नहीं बल्कि इंडियन मीम से भरे हुए किसी गेम को खेल रहे हो। लिटरली इस मॉड के डेवलपर को जितने भी मॉड्स मिले वो उसने गेम के अंदर भर भर के डाले, जिससे गेम थोड़ा वियर्ड और ग्लिची तो है लेकिन इसे खेलने में और नए नए इंडियन रेफरेंसेस को ढूंढने में काफी ज्यादा मजा आता है। जिसने भी इस मॉड को बनाया है उसने इस गेम पे काफी ज्यादा टाइम लगाकर इंडियन वाली फीलिंग लाने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि गेम के अंदर सीजे के कैरेक्टर को पंजाबी बना दिया गया है, गेम के अंदर बहुत सारे इंडियन व्हीकल्स हैं और इस गेम का मेन मेन्यू भी पूरी तरीके से चेंज है। इवन इस गेम के अंदर पूरे चीट कोड्स को भी रिप्लेस कर दिया गया है। अब जीटीए पंजाब की सबसे खास बात यह है कि ये गेम जीटीए सैन एंड्रियास को मॉड करके बनाया गया था 8 से 9 साल पहले, जब ना तो अच्छे मॉडिंग ट्यूटोरियल्स हुआ करते थे और ना ही इंडिया में लोगों के पास अच्छा इंटरनेट था। तो उस टाइम पे इस तरह के गेम्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि जीटीए पंजाब ऑफलाइन मार्केट्स में मिला भी करता था, जिसे लोग ओरिजिनल गेम समझकर खरीद लाते थे। और वैसे तो इस गेम का नाम जीटीए पंजाब था लेकिन बाद में काफी सारे लोगों ने इसे और भी मॉडिफाई किया और इसका नाम भी चेंज कर दिया, जैसे कि जीटीए अमृतसर या फिर जीटीए गदर। नंबर 5 जीटीए सैन वाइस। अब गाइस जीटीए सैन वाइस मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है क्योंकि ये जीटीए सैन एंड्रियास के उन गिने चुने मॉड्स में से है जो कि काफी ज्यादा वेल मेड है और इनमें कोई भी ग्लिचेस या फिर बग्स नहीं है। तो जीटीए सैन वाइस एक फुली मॉडर्ड जीटीए सैन एंड्रियास है जिसमें जीटीए सैन एंड्रियास के मैप को रिप्लेस करके जीटीए वाई सिटी के मैप को डाल दिया गया है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस गेम का मेन कैरेक्टर सीजे है ना कि टॉमी। अब जीटीए सैन वाइस में ओरिजिनल जीटीए वाई सिटी के मैप होने के साथ साथ बहुत सारे यूनिक मिशंस भी हैं, जैसे कि पैराशूटिंग मिनी गेम या फिर वाई सिटी के ओरिजिनल मेन मिशन जैसे कि जी स्पॉटलाइट, जो कि वाई सिटी के सबसे बेस्ट मिशंस में से एक माना जाता है। इसके अलावा सैन वाइस में हम और भी बहुत सारे फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिसर टेनपेनी और पुलास्की के साथ मालिबू क्लब में डांस करना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस गेम के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेसेस को भी डाला गया है जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जीटीए सैन एंड्रियास के फिजिक्स के साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीटीए वाई सिटी का फिजिक्स कैसा था। नंबर 4 जीटीए 5 एंड जीटीए 4 फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। अब गाइस मैं जानता हूं कि जीटीए 4 और जीटीए 5 दोनों ही एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए नहीं है और शायद ये फ्यूचर में कभी भी मोबाइल डिवाइसेस के लिए लॉन्च भी ना किया जाए, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों ही गेम्स के फैन मेड वर्जन अवेलेबल है एंड्रॉइड के लिए। मुझे भी इन गेम्स के बारे में रिसेंटली ही पता चला और मैं इन्हें देखने के बाद शॉक हो गया। नॉर्मली हमें लगता है कि फैन मेड जीटीए गेम्स कुछ इस तरीके के दिखते होंगे लेकिन इन दोनों ही गेम्स के साथ ऐसा नहीं है। ये दोनों ही गेम्स दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और इन्हें देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई फैन मेड गेम नहीं बल्कि ओरिजिनल जीटीए 4 और जीटीए 5 के पोर्टेड वर्जन है। अब ये दोनों ही गेम्स बाकी फैन मेड जीटीए गेम्स की तरह वॉकिंग सिमुलेटर नहीं है क्योंकि उन गेम्स में ना तो मिशन होता है और ना ही ओरिजिनल व्हीकल्स होते हैं और उन गेम्स में आप चलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा इस फैन मेड जीटीए 4 और जीटीए 5 में नहीं है। इन दोनों ही गेम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है जिसमें आप जीटीए 4 या फिर जीटीए 5 के फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर सकते हो, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा वेल मेड है। इसके अलावा इन गेम्स की सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही गेम्स को इंडियन डेवलपर्स ने बनाया है। नंबर 3 जीटीए अंडरग्राउंड। अब गाइस जीटीए अंडरग्राउंड नाम से तो नीड फॉर स्पीड गेम की कॉपी लगता है लेकिन असल में ये कोई कॉपी नहीं है बल्कि ये जीटीए फैंस का ड्रीम गेम है, क्योंकि इस गेम के अंदर जीटीए वाई सिटी, जीटीए 3, मैनहंट 1, मैनहंट 2 और बुली गेम के मैप को जीटीए सैन एंड्रियास के अंदर डाल दिया
दिया गया है, जिससे कि आप हर GTA गेम और रॉकस्टार गेम्स के दूसरे पॉपुलर गेम्स के मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इस मॉडर्न गेम की सबसे खास बात यह है कि जब आप इस गेम में एक मैप से दूसरे मैप पे ट्रेवल करोगे तो वहाँ पे GTA San Andreas के व्हीकल नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पे गेम के ओरिजिनल व्हीकल प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर आप वाई सिटी में हो तो वहाँ पे ओरिजिनल व्हीकल्स तो होंगे ही, लेकिन अगर आप वाई सिटी से GTA 3 के लिबर्टी सिटी जाओगे तो वहाँ आपको वाई सिटी की कार नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल GTA 3 के व्हीकल्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस फैन मेड गेम के अंदर सारे ओरिजिनल शॉप्स हैं और सारे इंटीरियर्स भी हैं, जिसके अंदर जाकर आप उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हो। नंबर 2, GTA शिकागो। अब गाइस, GTA शिकागो एक बहुत ही बड़ा मॉडिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें डेवलपर्स ने प्लान किया कि वो GTA 5 के मैप को रिप्लेस करके गेम के अंदर रियल लाइफ शिकागो सिटी को डालेंगे। अब ये कोई छोटी सिटी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ी सिटी है, जिसे गेम के अंदर लाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन अब फाइनली डेवलपर्स ने गेम के अंदर शिकागो सिटी को डाल दिया है और ये सच में बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये मॉड 5M रेडी है, जिससे कि अगर GTA शिकागो को 5M पे किसी ने इंस्टॉल कर रखा है तो आप भी उस सर्वर को ज्वाइन करके GTA शिकागो मैप को एक्सप्लोर कर पाओगे अपने दोस्तों के साथ। और इससे भी ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप zaphosting.com पे अपना खुद का 5M सर्वर रेंट कर लो, जिसमें अगर आप चाहो तो GTA शिकागो या फिर किसी भी मैप मॉड को इंस्टॉल कर सकते हो और फिर अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हो। zaphosting पे सर्वर बनाना काफी आसान है, जिसमें आपको कोडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती और आप इसमें खुद का RP सर्वर काफी कम टाइम में बना सकते हो। तो आप में से जो लोग सर्वर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, वो zaphosting को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड भी है, जिसे अगर आप यूज करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। नंबर 1, GTA Vice City 2। अब गाइस, ये एक रीमेक है ओरिजिनल GTA Vice City का, जिसे पूरी तरीके से बनाया गया है GTA 4 में। अब इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इस गेम के अंदर हम GTA Vice City के सारे ओरिजिनल मिशंस कर सकते हैं और वो हर चीज कर सकते हैं जो कि हम ओरिजिनल GTA Vice City में कर सकते थे। अब ये अपने आप में मॉडिंग कम्युनिटी में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले जितने भी GTA Vice City के मॉड आए थे वो सारे ही सिर्फ मैप मॉड्स थे, जिसमें हम किसी भी मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकते थे। तो ये GTA के मॉडिंग हिस्ट्री में पहला मॉड है जिसने इंटायरली 3D यूनिवर्स की गेम को SD यूनिवर्स में लाया है। अब इस मॉड को बनाने में डेवलपर्स को 8 साल लग गए, जिससे हमें ये समझ में आता है कि गेम के अंदर किस लेवल की डिटेलिंग की गई होगी। अब ये GTA Vice City का सिर्फ SD पोर्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स को भी डाला गया है, जैसे कि अब Vice City के अंदर बहुत सारे न्यू सेफ हाउसेस होंगे। इवन इस पोर्ट के अंदर हम GTA 5 की तरह कार्स को भी मॉडिफाई कर पाएंगे, जिसे हम GTA Vice City के अंदर नहीं कर सकते थे। और हाँ, ये GTA 4 का मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए शायद टॉमी इसके अंदर स्विम भी कर पाएगा। फिलहाल तो इस मॉड का डेमो वर्जन आ चुका है और इसका फुल रिलीज भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।